हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं। इसको अपर जीआई इंडोस्कोपी कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से की इंडोस्कोपी, जिसे इसोफेगो ग्रेस्टोडियो एडेनोस्कोपी या जीडीपी कहते हैं। ये प्रक्रिया आपके चिकित्सक को आपके पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से के श्लेष्म की झिल्ली को देखने में मदद करती है। इसमें शामिल है इसोफेगस यानी कि भोजन नली, पेट, ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी, पक्वाशय यानी छोटी आंत का पहला हिस्सा। ऊपर इंडोस्कोपी का उपयोग पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द, मतली, उल्टी, रक्तस्राव या निगलने में तकलीफ जैसे मूल्यांकन करने में होता है। ये प्रक्रिया सूजन, संक्रमण, ट्यूमर, छाले या फोड़े और अन्य तकलीफें जो मरीज में मौजूद हों उनका सटीक रूप से पता लगा सकती है। ये प्रक्रिया करने के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो कि लंबी पतली लचीली ट्यूब यानी कि नली है, जिसके एक कोने पर लाइट व एक छोटा सा वीडियो कैमरा जुड़ा होता है। प्रक्रिया के दौरान ये कैमरा तस्वीर खींचकर एक छवि को मॉनिटर पर प्रसारित करता है। इंडोस्कोपी से पहले आपको आईवी लाइन लगाकर शुरू की जाएगी और इसके द्वारा आपको दर्द कम करने के लिए दवाएं, शामक यानी कि नींद प्रेरित दवाएं दी जाएंगी। प्रक्रिया के दौरान आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, नाड़ी और आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा, इन सब पर नज़र रखी जाएगी। आपका चिकित्सक आपके गले में एक दवा यानी कि चेतना शून्य करने वाली औषधि का स्प्रे करेंगे या एनेस्थेटिक दवा से कुल्ला करने के लिए कहेंगे, ताकि आपका गला सुन पड़ जाए। आपको अपनी बाएं तरफ सोने को कहा जाएगा और एक सहायक मुखपत्र आपके मुंह में रखा जाएगा। कुछ मामलों में एक नाक प्रवसनी के माध्यम से आपको पूरक ऑक्सीजन दिया जा सकता है। सरल ऊपरी इंडोस्कोपी को करने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। आपके चिकित्सक धीरे से आपके मुंह के माध्यम से इंडोस्कोप को अंदर डालेंगे और फिर धीरे धीरे सावधानी से नीचे ले जाएंगे, जब तक ये आपके पेट तक न पहुँचे और अंत में आपकी ग्रहणी तक। इस प्रक्रिया के दौरान आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए। पाचन तंत्र के श्लेष्म की झिल्ली को समतल करने के लिए और दृश्यता में सुधार हो, इसलिए हो सकता है कि आपके चिकित्सक समय समय पर छोटी मात्रा में अंदर हवा डालते रहें। यदि आपके चिकित्सक जांच करने के लिए भीतर से ऊतकों का नमूना एकत्र करना चाहते हैं, तो इंडोस्कोप के माध्यम से प्रक्रिया के दौरान एक या दो बायोप्सी कर लेंगे। बायोप्सी सौम्य और कैंसर युक्त ऊतकों के बीच में भेद करने में मदद करेंगे। इसका उपयोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि वो जीवाणु जिनसे अल्सर यानी कि छाले हो सकते हैं, उनका पता लगाने के लिए भी किया जाता है। आपके चिकित्सक इंडोस्कोप का उपयोग किसी अन्य समस्या के इलाज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि एक छाला जिसमें सक्रिय रूप से खून बह रहा हो या पेट में किसी संकुचित भाग को खींचकर खोलने के लिए। प्रक्रिया के बाद जब तक आप पर से दवाओं का असर चला न जाए, तब तक आपकी स्थिति पर नजर रखी जाएगी। आपको गले में दर्द हो सकता है, आप अपने आप को थोड़ा फूला हुआ महसूस कर सकते हैं। बाद में आपको घर के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हर्बलिज्म विथ हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको इसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे।